ये पूरा एक्सटेंडेड है और वो आगे गार्डन है पूरा भाई। हाँ सही में यार, यहाँ पे देख ला देख के डर सा लग गया। ये कह रहे हैं रामोजी फिल्म सिटी है। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक अगेन टू हम तो मन इंग्लैंड। मैं हूँ गौरव। मैं हूँ अवी। तो काफी दिनों बाद हम लोग आज व्लॉग बना रहे हैं, जब से बार्सिलोना से आए हैं और बार्सिलोना के ही व्लॉग चल रहे थे इतने सारे, और होपफुली आप लोगों को मजा आया होगा। आज हम लोग जा रहे हैं, मेरी एक फ्रेंड है, हमारी एक फ्रेंड है बेसिकली, शी इज़ अ यूट्यूबर ऑल्सो, वो यूके में ही है, आप लोगों ने उनकी वीडियोस देखी होगी, योर नॉलेज बड़ी, तो वो काफी अच्छी वीडियोस बनाती है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। नाम सारिका है, योर नॉलेज बड़ी उनके चैनल का नाम। उनका नाम सारिका है और उनका बर्थडे था कल, तो आज हम लोग उनके घर पे जा रहे हैं, उन्होंने इन्वाइट किया था, और भी आई थिंक और भी काफी सारे लोग आ रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी उसमें शामिल करते हैं और चलते हैं वहाँ पे। अभी फिलहाल हम लोग निकल गए हैं, हम लोग अभी जा रहे हैं रिटेल पार्क में, क्योंकि बर्थडे था तो थोड़ा बहुत गिफ्ट लेना बनता ही है बढ़िया सा, तो हम चल रहे हैं रिटेल पार्क। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ नए नए लोगों से मिलने के लिए। हाँ, वहाँ पे काफी सारे लोग भी आ रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब आप फेलो यूट्यूबर से मिलते हो, स्पेशली आपको बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं डिस्कशन के लिए, कैसे। बट आज पार्टी है, आज कोई टॉपिक वहाँ पे डिस्कशन नहीं करना, देखते हैं कितना टाइम मिलेगा, डिस्कशंस होते हैं तो देखते हैं कैसे जाता है। फिलहाल निकलते हैं यहाँ से, और उनका घर जो है वो है ल्यूटन में, मतलब लंदन के पास, तो 1.5 घंटे का रास्ता है, और अभी रिटेल पार्क चलते हैं, गिफ्ट लेते हैं बढ़िया सा, और फिर निकलते हैं उनके घर के लिए। अभी भी रेडी हो गई है यहाँ पे, और रेड रेड ड्रेस में। और मैं एक और चीज दिखाना चाहती हूँ। क्या? जो कि आज न्यू है, विच इज दी स्लिपर्स। और ये कहाँ से लिया? इतनी ज्यादा अमेजिंग है और सुपर अफोर्डेबल, बेस्ट फाइंड ऑन टीमू। तो इसका जो लिंक है मैं पक्का ढूंढ के गौरव को देने वाली हूँ। अगर आप ऐसी कुछ स्लिपर्स ढूंढ रहे हो तो बेशक आप ऑर्डर कर सकते हो आराम से, क्वालिटी बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल। हम लोग आ गए हैं यहाँ पे रिटेल पार्क पे, और मैडम को थोड़ी सी भूख लग रही है, सुबह से कुछ खाया नहीं आज, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग चलती होती है ना, हम तो नहीं करते फिर फास्ट कर रही थी आज। वैसे ही फास्ट कर रहे थे। हाँ। इधर से आओ, इधर से। तो क्या खाओगे फिर? सब्वे। चलो जी, सब्वे बेस्ट ऑप्शन वी कैन फाइंड। हाँ, जब ऐसी हालत हो। भीड़ बहुत है ना, आज वीकेंड पे बहुत भर जाता है भाई, ये पूरा पार्किंग स्पॉट ही नहीं मिलता यहाँ पे। और 1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से, आराम से गाने सुनते सुनते जाएंगे। आज मौसम भी थोड़ा बारिश वाला लग रहा है मुझे, हो सकता है रास्ते में बारिश आ जाए, तो देखते हैं आज कैसा रहता है, वहाँ पे काफी लोग आने वाले हैं। इतनी तेज बारिश शुरू हो गई है, जहाँ खड़ा मैं, हर दफा। पहुंच चुके हैं हम लोग फाइनली ल्यूटन, और बस अभी चलते हैं अंदर और फ्रेंड से मिलते हैं। रेडी, लेट्स गो। और हम इतने अच्छे अच्छे गाने सुन के आए हैं भाई, मजा ही आ गया। लॉन्ग ड्राइव में ना मजा ही आ जाता है। हाँ। और अभी आजकल हमें मौका भी नहीं मिल रहा जाने का ना, तो अच्छी लॉन्ग ड्राइव हो गई आज, काफी 1.5 घंटे की लॉन्ग ड्राइव हो गई, और गाने और वेदर भी बहुत बढ़िया था। तो मजा आता है, पुराने पुराने गाने चलाओ, साथ साथ गाओ, बड़ा मजा आता है। हेलो हेलो मिली, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। कैसे हो? कितना टाइम लगा? 1.5 घंटा। अरे वाह, नहीं नहीं, क्या हाल है आदि भाई? नहीं, बात बहुत हुई है। हेलो, ये मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड है यहाँ पे, शी इज द ओनली फैमिली वी हैव। ओके, ओके, हाँ, टेली की तुम पे। हेलो, ओए, नाम क्या है? नाम मिली। हाय मिली, बहुत क्यूट है ये ना, हाय तुरंत दोस्त बन जाती है मिली। हाँ, 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 नए लोग हैं, नए लोग हैं, नए लोग हैं, एक्साइटेड है, हाँ, एक्साइटेड है। आदि भाई घर दिखा रहे हैं यहाँ पे, और इस तरफ ड्राइव है, हम तीन मिनट की कार पार्क कर सकते हैं। हाँ। पहले करता हूँ, हम गाड़ी पार्क करते रोड के ऊपर, ड्राइव होना चाहिए प्रॉपर। हाँ, बट ये बहुत अच्छा है कि बता रहे हैं कि यहीं तक
हाँ, उसके बाद ये सारी ये पूरा एक्सटेंडेड है और वो आगे गार्डन है पूरा। ये बहुत सही लगा यार, ये बहुत अच्छा है। इससे जो पैटियो नहीं देगा, मैं पैटियो वाओ मैसिव। अच्छा, बाहर हो गया, फिर मैं दोबारा कहा, मैंने कहा नहीं मेरे को जाना है, तो मैं हाँ। मैं बढ़ूंगा। हाँ। तो आप थोड़ा बहुत बढ़ेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। मैंने कहा आई हैव द फंड, मैंने उनका अकाउंट दिखाया, फिर उन्होंने दोबारा स्टार्ट किया ऑप्शन। फिर कितने में मिला फिर ये फाइनल? मेरे को मिला था 427 में। 399 का लगा था, 427 में मिला, और उसके ऊपर ये पूरा आपने काम करवाया। फिर बहुत सारी कंडीशन थी कि ऑक्शन में होता है ना, तो कुछ गारंटी नहीं होती है, कोई डैम आएगा, इशू आएगा, रिस्पॉन्सिबल थे। जब घर बैंक के थ्रू आया था मेरे पास, मैंने कहा मैं खेलूंगा रिस्क, तो मैंने रिस्क खेला। नहीं यार, ये बहुत बढ़िया है। तो इसके लिए पूरी प्लानिंग परमिशन लेनी पड़ती है ना यहाँ पर, बहुत सारी चीज होती है। देखिए मैंने घर खरीदा, हाँ, घर खरीदने के बाद मैंने फिर बुलाया आर्किटेक्ट को। अच्छा, सबमिट करो कि मेरे को इतना एक्सटेंड करना। हाँ हाँ हाँ, अभी एक्सटेंड करने के लिए हम डालते हैं काउंसिल परमिशन, तो जिसकी इसकी फैंसी हमारी घर से अटैच होती है। हाँ, उनके पास सबसे जाता है लेटर, और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। हम इतना एक्सटेंड कर रहे हैं। हाँ, तो मैं गया लोगों से चौकट के, देखिए मैं पहले बात कर चुका था। अच्छा, एक्सटेंड कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, मेरे को परमिशन मिली, तो फिर काउंसिल के बाद क्या होता है, फिर एक बिल्डिंग रेगुलेशन वाला एक चैप्टर होता है, उसमें क्या होता है घर बनता रहता है, वो लोग आगे देखते रहते हैं। अच्छा, हम सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वॉल जो होती है इतनी। हाँ हाँ हाँ, इसके बीच में फिर इंसुलेशन होता है, तो फिर वो लोग आते रहे, देखते रहे, और फिर मैं पूरा काम कराता रहा धीरे धीरे। नहीं यार, बहुत मतलब मैसिव लग रहा है गार्डन, तो देखो जरा, इसको मेंटेन भी करना पड़ता है भाई, मेंटेन करने में हालत खराब हो जाती है। छोटा सा लॉन मूवर था। अच्छा, ये बड़ा वाला लिया है। फिर मैंने कहा मैं बड़ा वाला लूंगा भाई, यहाँ पे। हाँ सही में यार, यहाँ पे देख लो, यहाँ तो भाई पूरा क्रिकेट मैच हो सकता है। ये पिच बीच में यहाँ से देख रहा, देखो वो पीछे घर है वहाँ पे, और उसके आगे पूरा एक्सटेंशन है। मिली मिली भाई, मुझे डर लग रहा है इससे, ये घर 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 लिविंग टॉय। अरे उसको प्यार किया, शी गॉट बोर्ड ऑफ मी। अच्छा, इसने प्यार कर दिया, किसी और को ढूंढो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने ये तो देख लिया कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े घर होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो एज अ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है यहाँ पे आने के बाद, वो होता है अपनी एकोमोडेशन फाइनल करना। और अगर एकोमोडेशन आपको फाइनल करनी है, तो आप एम्बर स्टूडेंट को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एम्बर स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे बेस्ट स्टूडेंट एकोमोडेशन प्रोवाइडर है। उनकी जो एकोमोडेशन है वो जनरली यूनिवर्सिटीज के आसपास रहती है, ताकि ट्रैवल कॉस्ट भी आपका बच जाए। हर तरह की एकोमोडेशन अवेलेबल है, हर बजट को सूट करती हुई एकोमोडेशन है, डिपेंड करता है आप किस टाइम पे बुक कर रहे हो। तो मेरी आपसे रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप अपनी एकोमोडेशन जो है वो एम्बर स्टूडेंट के थ्रू करो, और टाइमली बुक करो, ताकि आपको एक बजट एकोमोडेशन मिल पाए। तो एम्बर स्टूडेंट की एकोमोडेशन बुक करने के लिए आप हमारा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके आपको ये वाला पेज दिख जाएगा, और यहाँ से आप अपनी डिटेल जो है वो फिलआउट कर सकते हो। एम्बर स्टूडेंट की जो टीम है वो आपको कॉन्टैक्ट करेगी, और यही नहीं, आप उनकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। इनकी ऐप भी अवेलेबल है iOS और प्ले स्टोर पे, तो ऐप के थ्रू भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर हमारे लिंक के थ्रू जाओगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, और एम्बर स्टूडेंट की वेबसाइट पर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स भी मिलते हैं, जैसे कैशबैक ऑफर हो गया। तो स्टूडेंट के लिए ये सबसे बेस्ट रहता है कि अगर एकोमोडेशन बुक करनी है तो ऐसे सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू करो जहां पे आपको ऑफर्स भी मिले और एक अच्छी एकोमोडेशन भी आपकी बुक हो जाए। तो जरूर चेकआउट करना एम्बर स्टूडेंट, हमारा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहां से आप क्लिक करके अपनी एकोमोडेशन जो है वो बुक कर लेना। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भाई यहाँ पे सारे अपने टर्मरिक वाली। हाँ। कौन सी वाली है? ये वाली, यही सही है। नहीं मैं भी यही लूंगा। हाँ 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 भाई, यहाँ पे सबकी ड्रिंक्स बन गई है, हम लोग यहाँ पे ग्रीन टी बना रहे हैं। बताओ, पार्टी में ग्रीन टी चल रही है हमारी। गला खराब हुआ पड़ा है, सब ग्रीन टी पी रहे हैं, सबको ये भी बताओ है ना। हाँ, सारे ग्रीन टी पी रहे हैं, सारे ग्रीन टी पी रहे हैं वैसे। चीयर्स, हैप्पी बर्थडे सारिका। इसको देखो, इसका ग्लास कहाँ है? ये है भाई यहाँ पे सालिका का पूरा सेटअप जो यहाँ पे शूट होता है पूरा।
भाई माइक वाइक तगड़ा सब कुछ लगा रखा है। तो जब जूम का होता है तो इससे स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह होती है। हाँ पहले मेरा ऑफिस चलता था, फिर मैं अपना ऑफिस मूव कर दिया। देख के डर सा लग गया। ये कह रहे हैं रामोजी फिल्म सिटी है। एक ये सेटअप रहता है, ये बहुत अच्छा है। और एक ये रहता है कि डिपेंड करता है कि किसे बनना चाह रही है। हां मैंने ये देखा है, ये वाला आई थिंक सारी का ज्यादा यूज करता है। डिपेंड करता है कि पॉडकास्ट चल रहा है या फिर सिंगल वीडियो चल रही है। ये आपने खुद ही पूरा डिजाइन किया है? हां ये सब खुद ही मैंने Amazon से ऑर्डर किया, जहाँ से जो अच्छा लगा वो खरीदते गए। हाँ हाँ अच्छा अच्छा। तो फिर नीचे काफी अलग, काफी जगह है। अच्छा वो नॉर्मल होगा, ये एक्चुअली मैंने पेरेंट्स का होगा ना, कस्टमाइज कराया है। देखिए हाँ। ये रूम मैंने कराया है पेरेंट्स के लिए। हाँ। पहले से ये रूम था या फिर ये लिविंग रूम था? ये वॉल बंद थी, इधर पहले वो था लकी चलता था। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा कि वो आते हैं तो उनको प्राइवेसी मिलनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। उनको टीवी दे दिया, टेबल दे दिया, वॉशरूम दे दिया, पूरा उनका अपना सेपरेट हो गया। सही है, आप अपना आओ। हाँ अपना रहो, काफी खुला है यार। हेलो, बढ़िया नीचे के बाद नीचे। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये भी सही है। आदि भाई घर दिखा रहे थे यहाँ पे अभी, मैंने कहा अगर इतना बड़ा घर यूके में हो जाए तो फिर चाहिए क्या इससे ज्यादा। पैंट्री वेंट्री वो सब कुछ है, झाड़ू पोछा ये भी है। पता ना कि जिसके आखिर में ईआर आता है, मतलब कारपेंटर गार्डनर सब खुद ही करना पड़ता है। खुद ही पेंटर स्टार्टिंग में तो हम लोग खुद ही कर देते हैं। जब सब कुछ खुद ही करना है तो आराम से रहो, फैल करो। ये भी है, सही बात है यार, सही बात। लेकिन काम ज्यादा हो जाता है मुझे लगता है ना, सफाइयों में काफी टाइम लगता होगा, गार्डनिंग में काफी टाइम। उसके लिए मैंने सबके लिए वो कर दी ना, मशीन कर दी। अच्छा, झाड़ू के अलग, पोछा के अलग, तो सारी मशीनें मैंने शिफ्ट कर दी। लेकिन यहाँ से आप देखो पीछे कितना सही लग रहा है, काफी अच्छा है। मतलब ये एक ऑप्शन है, अगर आप यूके में, अगर आपके पास टाइम है, एक आध साल लग जाता है इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए, तो आप पूरा तुड़वा के आर्किटेक्ट से करवा सकते हैं काम। दाबेली, आज दाबेली खा रहे हैं हम लोग। मैंने नहीं खाई कभी। टेस्ट करके बताओ कैसी है, कैसा टेस्ट है, खट्टा मीठा? मैं भी ट्राई करता हूँ। अभी को तो बहुत अच्छी लगी है, मैं भी ट्राई करता हूँ। इसके अंदर नमकीन वगैरह भी डली हुई है ना, सब कुछ इंक्लूडिंग पीनट, सारा चटनी का फ्लेवर। वाह सही है, क्या बात है। कैसे हो? हेलो, कैसे हो भाई? एकदम बढ़िया। कैसे? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। भाई को बर्थडे कर दिया मैंने। फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं हम लोग हैं, इतने साल हो गए फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। जब से शुरू होता है, 4 बजे बुलाओ वो 6 बजे आएगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, फ्लेक्सिबल टाइम। ये हमारे साथ जो टाइम बोलोगे उसी टाइम। एकदम सही, मैं भी वही। मैं यार पंक्चुअल हूं, पूरा टाइम का पंक्चुअल। भैया मैं इंडियन हूं, नहीं मैं हमेशा टाइम से जाता हूं। और ये मेरे को बोलते हैं थोड़ा लेट, थोड़ा लेट। यहाँ पे आग का सीन बन गया बैठने का, बॉनफायर करके। ओहो भाई मजा ही आ गया यार। ओ हाँ मैं इधर से आके कोई बैलेंस कर दे, भाई बैठ जा भाई। यहाँ सही है थोड़ी ना, आग जला के अच्छा लग रहा है। आज पूरी ग्रीन टी वाली पार्टी चल रही है यहाँ पर। तब ये थोड़ी हमारी सुबह से ही ढीली है। ग्रीन टी की चीयर्स। इधर आ जाओ ना, इधर जगह है भाई। डिनर लग चुका है यहाँ पर, और डिनर में सबसे पहले यहाँ पे मुझे दिख रही है मिठाइयाँ, और वो भी हाथ से बनी हुई है, है ना। किसने हाथ से बनाया है? गुलाब जामुन होम मेड है। और यहाँ पे है भाई दाल मखनी, और ये है मिक्स वेज है। और ये क्या? ये है पनीर चिली, पनीर चिली, चिली पनीर, चिली पनीर। हाँ, और ये क्या है? वेज मिक्स।
ये क्या है? ये दाबेली का मिक्स है। अच्छा, दाबेली का है, ये इसी का मिक्स है, ये सब बैकअप में है, जिसको आप चाहिए पाव है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये दाबेली हम खा चुके हैं, अब मजा आ गया यार, इतना सारा खाना मैंने नहीं बनाया खुद, फिर से मैंने चावल बनाया। एक ही सब्जी चाहिए होती है बस खाने के लिए, बनवाया। अच्छा, अरे क्या बात है। भूल गया हूँ जो मैं, कैसे हंसी लगे। चलो यार, निकलने का टाइम आ गया यहाँ से, बहुत मजा आया साइन का। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, इतना बढ़िया बढ़िया खाना खिलाने का, और बहुत पार्टी करके मजा आ गया सबसे मिलके। यहाँ पे विकास और भी है, आदि भाई है, ठीक है, ज्ञान बांट रहे हैं। अरे आपकी, आप अपनी मेहनत से यहाँ तक आए हो, हमारा ज्ञान कुछ नहीं है। अरे वो अपनी मेहनत से आया है। आ जाओ भाई, आ जाओ। अच्छा, मेरी बुराई हो रही है। पक्का पक्का सबको मौका देंगे। चलो बाय बाय बाय।